अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। सबसे पहले तो हम अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने इतनी खूबसूरत आज धूप निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो धूप का हल्का सा हमने फ़ायदा लिया है, थोड़ी देर, मतलब इतना फ़ायदा लिया है कि मैं 20 मिनट यहाँ बैठकर मैंने वीडियो की एडिटिंग की है, ठीक है। आज मैं सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सुबह थोड़ी सी मैं अपसेट थी, मेरी तबीयत जो है ना वो सही नहीं थी, मेरी टांगों में शदीद दर्द था। लेकिन ये है कि औरत के इतने सारे काम होते हैं, औरत ने उठना ही होता है जो कुछ हो जाए। अभी मर्द होता है उसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए टाइम मिल जाता है, वैसे होती होंगी औरतें जो रेस्ट करती होंगी, लेकिन मैं नहीं करती ना, तो लगी हुई हूँ। जो कल परसों कपड़े धोए थे वो सारे लपटवाए हैं बच्चों के साथ, और अभी इनकी अलमारियाँ वगैरह सेट करनी है। उसके बाद जो है ना नाश्ता, फिर उसके बाद घर के काम, ये सब कुछ करने के बाद जो है ना मेरे होते हैं 3 से 4 चैनल, 2 मेरे बच्चों के होते हैं, सालिहा और तूबा का अलग अलग होता है। अब मैंने सालिहा के व्लॉग का नाम भी सालिहा व्लॉग ही रख देना है, ये सालिहा ऑफिशियल रख देना है। तूबा का तूबा ही है, उमना व्लॉग से ही है। नहीं नहीं, उमना व्लॉग नहीं, सालिहा का हमने चैनल का ना नेम चेंज करना है, क्योंकि अब ये प्रॉपर सालिहा के पास ही होगा, मेरे पास नहीं है ये चैनल, ये मेरी बेटी चलाती है और इंशाल्लाह इसी के पास ही रहेगा। तो आप सबसे गुजारिश है मेरे बच्चों के चैनल का भी विजिट किया करें। तूबा का भी चैनल है, सालिहा का भी है, मेरा एक कुरान का चैनल है, एक मेरा बड़ा चैनल है जो मोनेटाइज भी है, लेकिन वो मेरी इतनी गलतियों की वजह से खराब है, उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। तो सारी बताने का मकसद ये है कि मैं अभी तक इस धूप में लेट करना, 2 वीडियो मैंने अपलोड की है, एक मैंने एडिट की है, एक मेरी तूबा एडिट कर रही है, कैमरा मैंने मेरी सालिहा कर रही है। और चलते हैं किचन में, 12 बज चुकी हैं और मैंने सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास, मैंने जो है ना वो करना है सालन बनाने। तो सालन में आज हम बना क्या रहे हैं, आप मेरे साथ ही रहना, मैं बना रही हूँ दाल। दाल मैंने चूल्हे के ऊपर जो है ना वो रख दी थी, ये देखें, इसके अंदर मैंने टमाटर भी ऐड किए हुए हैं, ये टमाटर इसके अंदर ऐड है। और साले आप ना वो पीसने वाला उठाओ मामा, उसके साथ ना ऐसे ऐसे करके इसको ऐड करो, ठीक है, मैं तड़का लगा लूँ, बेटा इतना बड़ा ढक्कन। ये देखें, ये है, ये साले ऐसे ऐसे करके, मैं जहाँ भी तुझे टमाटर नज़र आए ना ऐसे उसको नीचे कर देगी, वो खुद ब खुद ऐसे मैश होता जाएगा, ठीक है। तो पीछे कर, मैं जल्दी जल्दी ना प्याज काट लेती और लगाती हूँ तड़का, ठीक है, आपने कहीं मत जाना है, मेरे साथ ही रहना है। निकालते हैं वो पीते हैं, हमने नहीं करने, माल्टे नहीं है वो, ग्रेप फ्रूट है। तो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने इसके अंदर डाल देना है जी ऑयल, और दाल को लगाना है हमने तड़का, ठीक है। तूबा बेटा, हमारा दूध जो कि उबल चुका है, मामा इसका ना ढक्कन वो और दो, वो वाला है मुझे लगता है, धो कर दो ये वाला, हैं हाँ धो दो। गाइस यहाँ जो है ना ये बच्चों ने प्याज और उनका पता नहीं क्या कुछ किया था, उनको बोला भी है कि प्याज बहुत महंगे हैं, ये लोग ना वहाँ से डबल रोटियाँ लेके आते हैं, आप बर्गर बना लेते हैं, ऐसा किया करो साले, आप दुबा ना किया करो, ऐसे कुछ मेरा एहसास किया करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरा एहसास किया करो, चलो ठीक है, मैं कह लिया एहसास, इधर थोड़ा सा दुबा बस, उसके बाद जो खाने ये हाँ हम बना रहे हैं जी, तड़का लगा लूँ साले मुझे ना वो। ये है जी हमारा तड़का, तो बस शूज पहनो बेटा, देखो जाओ आए गए एकदम शूज पहन के चलते, मम्मा की फ्रेंड, वाह वाह, मम्मी की फ्रेंड भी है। हाँ तो मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती। यहाँ हमने दाल को लगा लिया है तड़का, बिस्मिल्लाह ऐड कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजी, तो गाइस सालन हमारा बन चुका, और अब हम निकालते हैं इसका जूस। गाइस ऐसे तो कोई खा नहीं रहा, तो इसके अंदर ना बहुत कुछ होता है जो कि हम जाया कर देते हैं, तो इसका हम निकाल लेते हैं जूस। जूस तो कैसे निकाल रहे हैं, मशीन बनी हुई है यार, बस ठीक है, हम मशीनें ही ठीक है। दाल मेरी जरा फाइनली लुक दिखाओ, बन चुकी है, so elegant, so beautiful, just looking like wow, oh my god। चले ऐसा करो आप मेरा ना, ये मैं जूस निकाल के पी लूँ, आप मेरा बुरखा वगैरह बाहर रखो, धूप में मैं आ रही हूँ, ठीक है। यार इतना जूस
गाइस हमने तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है और हम जा रहे हैं पढ़ाने। दुआ कीजिएगा करियल से शाम को वापस आएंगे और से सुने हमजा से आप इतनी लेट क्यों आती हो और देर जा रही हो जा रही हो मना कितने ना लेकिन नहीं थे हमारे थे तो यहाँ हुआ है एक्सीडेंट और बहुत ही शदीद एक्सीडेंट हुआ है। ये देखें ये लोग जमा हैं हम अल्लाह ना करे कोई जाने नुकसान हुआ हो। आज बहुत रश है असल में धूप निकली हुई है पहुँच चुके हैं हम फर्स्ट ट्यूशन पर। इसी रोड पर ही एक्सीडेंट था जाते हुए अगर पॉसिबल हुआ तो सूरत हाल देखेंगे। मेरा तो दिल है इतना सा मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ ना कुछ भी हो जाए। गाइस हमारी घूम गई है जी चाबी और हम परेशान हो रहे हैं घर जा रहे हैं दूसरी चाबी लेने। दुआ कीजिएगा मिल जाए। घर जाते हैं दोबारा और चाबी लेकर आते हैं। बच्चों को पढ़ा रही थी तो कहीं गुम हुई है चाबी मिल ही नहीं रही। अब रिक्शे वाले पास ने कहा मैं आ रहा हूँ तो फिर घर जाते हैं दूसरी चाबी लेकर आते हैं फिर पढ़ाने लेंगे। पूरा घंटा मैं चाबी ढूंढती रही लेकिन चाबी मुझे नहीं मिली। बच्चों छोटे बच्चे को पकड़ाई है वो रो रही थी गिर गई थी ना तो उसने कहीं फेंकी है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ अब जा रही हूँ घर और घर से दूसरी चाबी लाती हूँ। पहले शुएब को कॉल कर रही थी उन्होंने अटेंड नहीं की तो उन्हीं को कहती ना कि वो लेकर आए। सो फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ तो यहाँ मेरे ख्याल में आज बच्चे जो है ना ताला नहीं लगा कर रहे या घर में शायद कोई है ड्राइंग रूम से देखते हैं। तो हमारे बच्चों के काम देखे घर बंद करके ताला ही लगा कर गए चाबी उठाते हैं दूसरी। इतने गंदे और खलीज घर में चाबियाँ गुम ये चाबी और है बाइक की उठाते हैं उस घर में जहाँ हमारी बाइक खड़ी है। बस मुझे भी सख्ती समझ लो आ जाती है ना कि बच्चों को पकड़ा देती हूँ। बच्चों के कान देखें वो वहाँ से ताला नहीं लगा कर गए। एक औरत के लिए थोड़े आजाद है टेंशन ही टेंशन है घर से बाहर यहाँ ताला ताला भी किसी ने बंद कर दिया था ना। ये देखिए बंद हुआ है। अस्सलाम वालेकुम तेरे को घर दें चाहते हैं बस मैं तो फोन की रखे मैं दूसरा जड़ा ना नहीं चाहता मैं दोबारा रक्षा तो फोन कीते मैं ओ आए हूँ घर आई हूँ चाहते हैं जा हैं भाई लगती है दूजी चाबी चावन आई खड़िया पता नहीं कितना छूर चाह के सट्टन नहीं लभी यार। हाँ हाँ हूँ भैया चावन आई खड़िया घर घर हूँ बाइक दी भाई चाबी चावन आई खड़िया ठीक है घर लेंगे वो चाह घर ताला लाई मैंने चाबे हैं ना तेरे को भाई को दो से ढाई घंटे लेट हो चुके हैं सिर्फ चाबी की वजह से जहाँ से मैं 6-7 ट्यूशन पढ़ाती हूँ। आप मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं जी आपको 7-8 घंटे बाद। अच्छा जी मैं घर आ चुकी हूँ अभी बैठी इधर ही हूँ और जैसे कि आपको बताया कि मेरी स्किप कर दे रहा हूँ ना पहले हादसे हुए हैं। पहला हादसा कि मेरी इसकी चाबी गुम हो गई मेरी स्टूडेंट के घर से फिर मैं बताती हूँ वो मैंने यहाँ लोग में शेयर किया। अच्छा बल्कि चार पहले एक्सीडेंट देखा है उसके बाद चाबी गुम हुई है उसके बाद जो है ना ये टूट गया ये टूट गया
हाँ तीन ही हुआ मेरे साथ, नहीं चौथा भी, एक और भी हुआ है, एक और भी हादसा हुआ है, कौन सा हुआ है पता नहीं कौन सा हुआ है। तो बस दुआ किया करें अल्लाह पाक मुझे जो है ना सफर की उससे बचाए, रोड के ना कर हमसे ना कर, आमीन। आगे तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ होंगी।